एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ एक नया ब्लॉग लेकर के आए हैं। आज हमारी बिटिया रानी का बर्थडे है, ये हमारी भतीजी का बर्थडे है, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ है। ये बर्थडे सेलिब्रेशन लखनऊ के होटल एम्पेरियो में किया गया है और बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन हुआ है यहाँ पर। हम आपको पूरा डेकोरेशन भी दिखाएंगे, बस आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बर्थडे किस तरह से मनाया गया है, हमारी छन बिटिया ने कैसे केक काटा है, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। आप सभी लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये हमारी बिटिया रानी का केक रेडी हो चुका है और बिटिया हमारी रेडी हैं, बिल्कुल केक कट करने जा रही हैं। तो देखिए कितना खुश हैं ये, एक केक देख के वैसे भी बहुत खुश होती हैं। किसी का भी बर्थडे होता है या किसी के बर्थडे में जाती हैं तो केक अगर इनको दिखाई देता है तो ये बहुत खुश हो जाती हैं। तो आज तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि आज तो इन्हीं का बर्थडे है और अपना बर्थडे सेलिब्रेशन ये किस तरह से मनाएंगी आप लोग देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि इनको केक काटने का भी बहुत शौक़ है, मोमबत्तियाँ बुझाने का बहुत शौक़ है और सबसे ज़्यादा इनको शौक़ है क्लैपिंग करने का। तो आप लोग देखिए कि हमारी बिटिया किस तरह से बर्थडे केक कट करेंगी और कैसे मोमबत्तियाँ बुझाएंगी। तो देखिए कितनी खुशी खुशी से टीका लगवा रही हैं, ये देखो कितना खुश हो रही हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी हैं, हैप्पी बर्थडे, भाभी हैं, भाभी की मम्मी हैं, भैया हैं, सभी लोग केक कट करा रहे हैं। देखिए हमारी बहुत खुश है, आप लोग देख सकते हैं कितनी खुश है छन छन हमारी। थोड़ा दीदी तिरछा कर दीजिए, चलने लगेगा तो तुम्हारे फोटो स्ट्रगल बड़ी मम्मी का छन छन फूको छन छन तेज से फूको छन छन नानी से कहो फूक मारे छन छन दीदी मैं मुंह पोछिए, भाभी उसका मुंह पोछ दो जरा। अरे नानी इसका भूखे भाई, बार बार नानी बुला रही है। नानी सपोर्ट करें भाई। हाँ किनारे लगी रहे। हमें तो कहते हैं कि साड़ी का साड़ी
अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ का डेकोरेशन भी दिखा देते हैं। आप लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर सजावट है, सजावट हुई है। गेट भी मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है कि बहुत सारे बैलून भी लगे हुए हैं। बहुत अच्छा सा गेट बनाया गया है और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बैलून बैलून ही लगे हुए हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा बैलून देखकर खुश हैं, बैलून खेल रहे हैं और बैलून के साथ बच्चों ने किस तरह से मस्ती की है हम वो भी आपको दिखाएंगे। ये पूरा गेट है, बाहर का हम थोड़ा सा वीडियो शूट किए हैं तो आपको दिखा रहे हैं कि ये गेट किस तरह से बना हुआ है। दोनों तरफ से गेट बना है, दो गेट हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला गेट है, पहला गेट भी मैंने आपको दिखाया है। अगर नहीं देखा है आपने तो हम आपको दोबारा से दूसरा वाला गेट दिखा देते हैं। तो ये दूसरा वाला गेट है और वो पहला वाला गेट था जो जिसमें बैलून लगे हैं और इसमें बहुत सारी लाइट लगी हुई है। और ये यहाँ होटल एम्पेरियो है जो कि फिनिक्स मॉल के पास है। अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं कहीं पर बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो आगे का कार्यक्रम हम आपको दिखा देते हैं। तो सभी लोग बैठे हुए हैं, केक कट हो चुका है। आप सभी लोग पहले केक खाएंगे और उसके बाद ये सभी लोग डिनर करेंगे। डिनर भी रेडी हो चुका है। डिनर में क्या क्या चीज़ें हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये सारे मेहमान बैठे हुए हैं और बच्चों ने किस तरह से बैलून के साथ मस्ती की है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो ये जो भी गेट बना हुआ था बाहर, बच्चों ने उसको ज़बरदस्त तरीके से इसके साथ मस्ती की है। एक भी बैलून बच्चों ने नहीं छोड़ा है, सारे बैलून फोड़ दिए हैं, उछल उछल के बच्चों ने बैलून फोड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा मस्ती तो बच्चों ने ही की है। तो आगे अब सभी लोगों का डिनर स्टार्ट होने वाला है क्योंकि सबसे पहले केक सर्व हो रहा है और केक खाने के बाद ही सब लोग डिनर करेंगे। डिनर में क्या क्या चीज़ें हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए ये सारे मेहमान हैं, मौसी बुआ और हमारी बहनें सभी लोग हैं यहाँ पर, कोई भी नहीं बाकी बचा है। और आपने देखा होगा कि सभी लोग ब्लैक थीम में हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा डिनर भी रेडी है। तो यहाँ पर डिनर में सलाद है, कढ़ाई पनीर है, मशरूम है, मिक्स वेज है, अरहर दाल है और नान है, मिसी रोटी है, चावल है। खाना भी इनका बहुत टेस्टी था। तो सब ने ज़बरदस्त तरीके से बर्थडे पार्टी को एंजॉय किया है। स्वीट डिश तो बहुत ही लाजवाब थी क्योंकि स्वीट डिश में शाही टुकड़ा था जो कि बहुत पसंद आया है, सभी को बहुत अच्छा लगा। और केक भी बहुत अच्छा था, सब ने ढेर सारी मस्ती की है। और आगे सभी लोगों ने डिनर किया, कैसे किया वो भी हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो हम शूट नहीं कर पाए थे डिनर का क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था। यहाँ पर फोटो शूट भी हो रहा है, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। ये होटल का थोड़ा सा डेकोरेशन है जो कि हम आपको दिखा देते हैं। रिसेप्शन का, रिसेप्शन के पास इन्होंने बहुत अच्छा सा डेकोरेट कर रखा है जहाँ पर सभी बटरफ्लाई अच्छा फोटो क्लिक करवा रहे हैं। और ये हमारी भैया रानी फुल मस्ती कर रही हैं, फंक्शन हमारी डिनर वगैरह करके जो इनके खाना था थोड़ा बहुत खा लिया है और खेल रहे हैं आयुष्मान के साथ क्योंकि आयुष्मान के साथ ये बहुत मस्ती करती हैं। ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रही हैं, डांस कर रही हैं। तो हमारी छनछन ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है, केक काटते समय भी इन्होंने खूब मस्ती की है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए